टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की हमारी सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ITI फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, मतलब जितनी भी ITI में आपकी 2 वर्ष वाली ट्रेडें होती हैं उनमें फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो सब्जेक्ट होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो ये सबके लिए है। बाकी जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, www.globalitai.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इसके पहले के जितने भी PDF हैं वो भी अपलोड किया गया है, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसके पहले के अगर जो पार्ट 22 है, इसके पहले का 21 तक का जो भी पार्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का मतलब बेलन हो गया, बेलनाकार या सिलेंडर दोनों एक ही बात है, मैंने पहले भी बताया था। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला की, सिलेंडर का मतलब क्या, बेलन, सिलेंडर का मतलब बेलन से हो गया, ठीक है। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है, फार्मूला मैंने बताया था πr²h, ठीक है। जिन लोगों ने नोट किया होगा, मैंने बार बार बताया आपसे वीडियोज में कि जब भी आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीडियो देखिए साथ में अपनी एक कॉपी रखिए, जितने भी क्वेश्चन में फार्मूला आता जा रहा है उन फार्मूलों को उस कॉपी पे नोट करते जाइए। तो जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके पास फार्मूलों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपको पूरे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने आप याद हो जाएगा और एक जगह आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान मैंने आपको बताया था कि पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। चलिए पाई का मान रख लेते हैं 3.14 इंटू आर त्रिज्या, याद ही रखा है ना कि जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 का² हो जाएगा इंटू एच, एच का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हम 12 रख लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं पहले, इसमें 12 चौक 48 8 हो गया, 12 चौक 48 8 हो गया, हासिल आया 4, 12 एकम 12 4, 16 को 6 हासिल आया 1, 12 3 36 1 37, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे इंटू 7 इंटू 7, भाई 7 के² में तो 7 × 7, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे इसका कर लेते हैं 7 8 56 को 6 हासिल आया 5, 7 अंक 42 5 47 हासिल आया 4, 7 3 49 4 53 हासिल आया आपका 5, 7 3 21 और 5 26, 2 अंक पे दशमलव है लगा लेंगे इंटू 7, फिर दोबारा 1 7 बच गया, हमने इस 7 का तो इसमें मल्टीप्लाई कर लिया था, अभी ये बचा हुआ था, अब उसका कर देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 अंक 42 को 2 हासिल आया 4, 7 3 49 49 4 53, ठीक है, हासिल कितना आ गया 5 आ गया, 7 3 49, ठीक है, 7 अंक 42 2 4, 7 3 49 4 53 5 बचा, 7 3 21 5 26, 21 5 26, 6 हासिल आ गया 2, 7 6 42 और 2 44 को 4 हासिल 4 बचेगा, 7 2 14 4 18, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, कितना आ गया 1846.32। यहाँ ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना 1846 दिया हुआ, और ये 1846.3 है। आपको मालूम होगा बार बार बताया जाता है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अगर दशमलव आ रहा है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा संख्या है, 5 हो 6 हो या 7, मतलब 5 या 5 से अधिक संख्या है तब हम उसके जस्ट आगे वाला ले लेते हैं, मतलब 19 ले लेते हैं, बताया गया होगा। और अगर 18.4 मान लीजिए 4 है या इससे कम है, 3 हो 2 हो, तब हम उसके पहले वाली ही संख्या ले लेते हैं, मतलब 18 ही लेंगे। अगर 18.5 या 18.5 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है तो हम अगली वाली संख्या ले सकते हैं, और अगर 18.5 से कम, जैसे 18.4 या 18.3 आता है तो उस केस में हम वही वाली संख्या लेते हैं। तो देखिए 1846.3 है तब हम इसे 1846 ले सकते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन थर्ड है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू सेंटीमीटर में थे तो यह सेमी क्यूब आएगा, इसीलिए यहाँ पे CC लिखा हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, और अगर यहीं पे आप 22/7 रख के सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 4 सही आ जाएगा,
आप सॉल्व करना 22/7 पाई का मान, अगर आप 22/7 लेते हैं तो ये फोर्थ वाला सही आ जाएगा, 1848 एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में इनका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं देना चाहिए, थोड़ा ऑप्शन में डिफरेंस होना चाहिए, बहुत करीब दे दिया ना 1846 1848, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट जो निम्मी वाला क्वेश्चन है उन्होंने इसको सही माना हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड को, इसका मतलब उन्होंने पाई का मान 3.14 लिया हुआ था, तो इसको कर लीजिए। या तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होना चाहिए था, या तो वैल्यू में गैप दिया होता, या फिर यहाँ पे लिखना चाहिए था कि पाई का मान हमें 3.14 लेना है। ठीक है, तब आदमी अपने आप सही कर लेता भाई, क्योंकि जो 22/7 रखेगा उसका ये आंसर सही आ जाएगा, इसलिए मैंने ये रख के दिखाया ताकि निम्मी में यही सही कर रखा है तो वो सब अपने इसी आंसर को सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखिए दो चीजें होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है और गोला का आयतन होता है, गोला और वृत्त दोनों अलग चीजें। ठीक है, सर्कल जब वृत्त की बात करेगा तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब गोला की बात करेगा, गोला का मतलब बॉल, बॉल गोल हो गया ना, उसमें कोई चीज़ आप पानी वगैरह भर सकते हैं क्योंकि बॉल अंदर खोखली होती है, उसका आयतन होता है, उसमें जो पानी आएगा या जो भी मटेरियल आ सकता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे गोले का आयतन पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला पहली बार आ रहा है, गोले का आयतन 4/3 πr³ भी फार्मूला होता है गोले के आयतन का। यहाँ पे r की वैल्यू हमें दे रखी है, r = 7 cm, बस आसान है, सॉल्व कर लीजिए, 4/3 पाई का मान ले लेते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू 7 दे रखा है, 7 का क्यूब है तो 7 × 7 × 7। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी का, हमें आंसर मिल जाएगा 4/3 × 3.14 × 7 × 49 = 343। अगर आपको 7 का क्यूब याद होगा तो मालूम होगा, 7 का जब हम क्यूब करेंगे क्या होगा, 7/49 = 343 होगा, तो 343 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 का, 3.14, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 17 × 7 × 3 = 13, 1 × 3 = 4, 1 × 3 फिर 3 से कर लेंगे, 3 × 9, 3 × 4 = 12, 1 आया, 3 × 9 = 10। अब इन्हें आपस में ऐड करते हैं, 2 × 7 = 0, 9 × 10 = 14, 3 = 17, 7 × 3 = 5, 6 × 6 = 7, 0 × 1 ये आ गया, कितने अंक पे, 2 अंक पे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया 1077.02। ये किसमें आया, जब हमने 7 का आपस में गुणा किया तो ये 343 आ गया था, और इसका हमने इसमें गुणा कर लिया 3.14 में। अभी हमारे पास क्या बच गया, 4 बचा हुआ है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी 4 बचा हुआ था, 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 0, 4 × 28 = 8 हासिल आया, 2 × 4 = 28 = 2, 30 = 0 हासिल आया, 3 × 4 = 0, 3 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, 343 में हमने 3.14 का गुणा किया था, उसके बाद 4 का गुणा कर दिया था, जब इन सबों को आपस में गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 4308.08/3। बस अब इससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, भाग देते हैं, 3 × 3 एक हासिल बच गया, 13 हो जाएगा, 3 × 12 एक बच गया, 10 हो जाएगा, 3 × 9 एक बच गया, 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, देखें 1436 आ गया, और यहाँ पे देखिए 1436 है भी, अब यहाँ पे 0.08 है, 0.08 देखिए बहुत ही छोटी संख्या है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन में मिल गया है 1436, सब पॉइंट 0.05 लगाएंगे और 0 उतारेंगे, फिर 8 आएगा तो उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो उससे बढ़िया हमारा आंसर नहीं मिल जाता, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, 1436 cm³। अगला क्वेश्चन है, एक रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या आर और अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल आर है एवं ऊंचाई स्मॉल एच है, तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक रिक्त सिलेंडर, रिक्त सिलेंडर का मतलब है हालो सिलेंडर जिसे खोखला सिलेंडर कहते हैं, रिक्त सिलेंडर से मतलब किसका है, खोखला सिलेंडर से, और हमें उस खोखले सिलेंडर का आयतन निकालना है।
तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, फिगर देखेंगे समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए एक बड़ा सिलेंडर होगा, खोखला कब होगा भाई, जब अंदर खोखला हो, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब अंदर हमें एक छोटा सिलेंडर लेना है, तभी तो खोखला बनेगा, ये चीज होगा। तो जो बड़ा वाला हमारा है, जो बड़ा वाला सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक की जो बड़ा वाला सिलेंडर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है, बड़े वाले त्रिज्या जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी मतलब बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर दे रखा है, और जो अंदरूनी है, अंदरूनी मतलब जो अंदर वाला छो है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो इसका त्रिज्या हमें दे रखा है स्मॉल आर, ये चीज़ दी हुई है भाई, छोटे वाले की त्रिज्या बड़े वाले की, तभी तो खोखला होगा, खोखला बिलन ऐसे ही तो होगा, अब एक बड़ा बाहरी एक अंदर छोटा है, बीच में खोखला भाग बच गया, और हमें उसी का आयतन चाहिए। तो खोखले के आयतन के लिए क्या करें, बड़े वाले का आयतन माइनस छोटे वाले का आयतन, तो हमें ये जो खोखला वाला भाग है, ये जो खोखला भाग है, इसका आयतन हमें मिल जाएगा, और इसी का निकालना है, तो बड़े वाले का आयतन निकालेंगे पूरा निकल जाएगा, छोटे वाले का निकाल कर जब घटा देंगे तो हमें खोखले का पता चल जाएगा, वही फार्मूला पूछा था। तो बड़े वाले का पहले लिख लेते हैं, खोखले बेलन का आयतन हमें निकालना है, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े या कह लीजिए बाहरी, बाहरी अंदरूनी लिखा हुआ था तो आप वो भी लिख सकते हैं, बाहरी बेलन का आयतन माइनस अंदरूनी बेलन का आयतन, अंदरूनी बेलन का आयतन, ठीक है। बाहरी वाले का आयतन क्या होगा, आप जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाहरी वाले के लिए कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखा है, ऊंचाई एच है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो दोनों के बराबर ही होगी, ऊंचाई एच है, एच हो गया। माइनस अंदरूनी वाले का, तो पाई अंदरूनी के लिए त्रिज्या आर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इन सब में कॉमन देखिए, यहाँ से अभी यहाँ दिख रहा है ना, इस हिसाब से काम करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, पाई है, पाई है, पाई हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, और इस एच को भी बाहर ले लिया मैंने, इसके हिसाब से लिखा है, आप चाहो तो एक ही साइड ले सकते हो, जरूरी नहीं हो ऐसे लिखो, जैसे पाई है एच है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें भी पाई एच, तो अगर आप कॉमन नॉर्मल लेते क्या होता, पाई एच कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाता कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि आयतन है तो जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट होगी, उसका क्यूब रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए लिखा, पाई आर टू, आर टू नहीं आर स्क्वायर, दरअसल है क्या है आर स्क्वायर, पाई अंदर क्या बचेगा आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, तो इस रूप में लिखिए, इस रूप में लिखिए, दोनों की बात है, इंटू यूनिट क्यूब, तो ये सब सूत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, फार्मूला हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी घटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉनिकल टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर। देखिए क्या कह रहा है, कॉनिकल टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी के मतलब से आयतन, भाई किसी चीज़ की क्षमता मतलब उसके अंदर जितना चीज आ सके आएगा तो मतलब आयतन होगा, ठीक है। कॉनिकल है, कॉनिकल मतलब समझे ऐसे होगा, कॉनिकल का मतलब शंकु से, शंकु नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट शंकु नहीं बोल रहा है, कॉनिकल वर्ड यूज करा जिससे कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, शंकु बोलते तो क्लियर हो जाता, कॉनिकल टैंक बोला, कॉनिकल मतलब शंकु के आकार का, और दिया क्या इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या ये होती है, त्रिज्या आर बराबर क्या दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई दे रखा है इसका, ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई एच इज इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना था कि कॉनिकल कह रहा है मतलब कि शंकु है, और अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला, शंकु का आयतन, क्षमता से मतलब आयतन से है कि उस टंकी में कितना पानी आएगा, मतलब उसका आयतन कितना है, तो आयतन बराबर होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है फार्मूला का, तो एक छोटा सा मैं चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बेलन आप लोग जानते हैं ना, बेलन का याद होगा तो इसका भी काम बन जाएगा। ये होता है आपका बेलन, ये हमारे पास बेलन है ना, ठीक है। बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है पूरे बेलन का। इस पूरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। अगर इसी बेलन में आप शंकु बनाना चाहो तो क्या होगा, नीचे वाला तो एरिया सेम वही है, वही रहेगा, ऊपर इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। ऐसे तो फिगर बनेगा, यह पूरा बेलन था तो पाई आर स्क्वायर एच था। अगर इस बेलन में मैं शंकु बनाना चाहूँ तो देखिए देखने में कैसा लग रहा है कि एक भाग, दो भाग, तीन भाग, कि इस बेलन के तीन भाग हो गए ना, तो इन तीन भाग का जो एक तिहाई भाग है वही शंकु बन रहा है। जब बेलन में मैं शंकु बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नीचे वाला तो सेम वही एरिया है पर ऊपर ऐसे कट गया था, ऐसा लग रहा है। देखो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग, तीन भाग, मतलब बेलन का एक तिहाई भाग किसके बराबर दिख रहा है, मैं शंकु के भाग दिख रहा है। तो जब बेलन का पूरा आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन कितना होगा, तो फिगर में देखने में लग रहा है कि इसका एक तिहाई है, तो इसीलिए इसका एक तिहाई कर देते हैं। मतलब बेलन के आयतन का एक तिहाई ले लोगे तो शंकु बनता है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 पाई का मान 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू 2 देगी और एच की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 सॉल्व करते हैं। देखिए 2 × 4 हो जाएगा ना, और 5 × 20 3.14 इंटू 2 × 4 = 20 / 3। अब इसका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 0 है भाई तो 1 अंक दशमलव खिसक जाएगा, 31.4 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि इस जीरो से 1 अंक दशमलव हमारा दाहिने साइड चला गया। अब इसका गुणा कर लेंगे 3 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 / 3। भाग दे लीजिए, 3 से जाएगा 20 × 3 = 60 20 बार जाएगा, 2 बज गया दशमलव देंगे 8 आ जाएगा 28 3 × 9 = 27 1 बचेगा 3 × 3 = 9 20.93 वो भी किसमें, सब मीटर में था तो मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था जब भी दशमलव के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से अधिक होती है तो हम अगली वाली संख्या ले लेते हैं, और अगर वैल्यू दशमलव के बाद 5 से कम होती है तो हम वही वाली संख्या लेते हैं जो दी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है, 5 से अधिक है, 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 21 मीटर क्यूब। 20.93 लगभग 21 के बराबर ही हो गया, तो 21 मीटर क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 75 सेमी की त्रिज्या एवं 100 सेमी की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। देखिए वही बात है, त्रिज्या दे रखी है कितना, R इज इक्वल टू 75 सेमी और 100 सेमी ऊंचाई, H इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ कह रहा बेलनाकार टैंक में कितना पानी रख सकते हैं, पानी रखने का मतलब वही होगा बेलनाकार टैंक में कितना पानी आएगा, मतलब उसका आयतन से मतलब है भाई, जितना आयतन होगा कि 2 लीटर आयतन है 3 लीटर जो भी उतना पानी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मतलब हमें बेलन के आयतन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, बेलन का आयतन, आयतन पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कितना पानी आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वहाँ 75 दे रखी है 75 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू 100 दे रखी है 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हमें पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 75 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 25 को 5 हासिल आया 2, 5 × 35 237, 7 × 35 को 5 हासिल आया 3, 7 × 49 352। 5 × 7 = 5 = 12 हासिल 1 × 3 = 5 = 6 = 5 5625 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या आ गया 5625। और अगर मैं 100 का गुणा इस 3.14 में कर दूं तो हमें क्या होगा, 2 0 हो तो 2 अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा, मतलब 314 हो जाएगा, इंटू 75 का स्क्वायर 5625 आ गया। यही है हमारे पास ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, 314 का आंसर आ जाएगा। किसका गुणा करना है, 314 का, 4 × 25 = 0
हासिल आया 2, 4 × 8, 2×10 = 0 हासिल 1, 4×5 = 24, 1×25 = 5 हासिल 2, 4×5 = 20, 2×22 1×5 = 1, 5×2 = 6, 1×6 = 5 3×3 = 15, 5 हासिल आया 1, 3×6 = 7 3×6 = 18 हासिल 1, 3×5 = 15, 1 = 16 ऐड कर लीजिए 0, 5 5×5 = 10, 2×12 = 2 हासिल 1, 6×2 = 8 8×7 = 15, 1×16 = 6 हासिल 1, 8×2 = 10, 5×5 = 15, 1×16 = 6 हासिल 1, 6×1 = 7, 1 ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं कितना आ गया 17, 66 17,66,250। ठीक है, ये क्या आ गया, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ऑप्शन में देखिए सब लीटर में दिया हुआ है, हमारे पास जो ऑप्शन आया सेंटीमीटर क्यूब में आया, ऑप्शन में सारा लीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया, लीटर में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैं अगर सेंटीमीटर क्यूब की जगह लीटर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा इधर भाग 1/1000 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सेंटीमीटर क्यूब की जगह लीटर लिखने के लिए 1000 से भाग देना होगा। जब हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो यह बदल जाएगा किसमें, लीटर में। 1000 से भाग देने पे 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1, 2, 3 अंक पे दशमलव, मतलब 1766 था, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा 2, 5, 0, अब यह बदल जाएगा किसमें, लीटर में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो पहला है वही सही है, 1766.25 लीटर। ठीक है।